जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में हमारे 42 42 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। इस हमले को लेकर आज एनएसयूआई छात्र संघ द्वारा राहत हुसैन के नेतृत्व में कैंडल मार्च कर्मा के 4 लाइन में निकाला गया, जिसमें मुख्य रूप से एनएसयूआई छात्र संघ के मोहम्मद मकसूद, कैफ साहिल, आसिफ रजा, संतोष शर्मा, रंजित प्रजापति, अतहर सोनू मौजूद थे। एनएसयूआई छात्र संघ के रामगढ़ जिला कोऑर्डिनेटर राहत हुसैन ने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों का हमला हमारे देश के ऊपर हमला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आपका 56 इंच का सीना दिखाने का समय आ गया है। भारत सरकार जवाबी कार्रवाई करे, हमें निंदा नहीं ईंट का जवाब पत्थर से चाहिए। आज हम लोग जम्मू कश्मीर में पुलवामा में हुए आतंकवादी हमला को लेकर आज हम लोग कैंडल मार्च कर्मा के 4 लाइन में निकाले हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग अपनी बातों को ये पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग का ईंट का जवाब पत्थर से चाहिए। अब लोग बयानबाजी हम लोग नहीं चाहते हैं कि सुने हम लोग बयानबाजी। हम लोग बयानबाजी ना करते हुए हम लोग का पूर्ण रूप से जवाब चाहिए और इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपना कदम उठाएं। 56 इंच का सीना दिखाने वाला वो सामने दिन आ गया। आप अपना 56 इंच का सीना दिखाकर हम लोग को भारत देश के लिए जो भी आतंकवादी हमला किए हैं उस पर पूर्ण से कार्रवाई किया जाए। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सके। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरीज अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूज लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है